हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन शर्मा आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक ऑफ इंडिया का आप डेबिट कार्ड घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उसी वीडियो पे बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे बिंगो डेबिट कार्ड के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बिंगो डेबिट कार्ड के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको बिंगो डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके बिंगो डेबिट कार्ड का बेनिफिट्स एंड फीचर्स क्या होगा। अगर आपको बिंगो डेबिट कार्ड अगर चाहिए तो उसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे कि बिंगो डेबिट कार्ड जो है किन किन अकाउंट होल्डर को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल पाए, और मेरे वीडियो पे नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये है मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो बिंगो डेबिट कार्ड है ये सिर्फ माइनर अकाउंट होल्डर लोगों को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि अगर आपको बिंगो डेबिट कार्ड अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चाहिए तो आपका उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा। पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपका जो एज है वो 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आपका एज 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में तो आप बिंगो डेबिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो एलिजिबिलिटी है कि आपका कोई भी सेविंग अकाउंट और या करेंट अकाउंट आपका बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए। तीसरा जो है फ्रेंड्स, ये जो बिंगो डेबिट कार्ड है ये सिर्फ जो है माइनर अकाउंट होल्डर लोगों को सिर्फ दिया जाता है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आपका एज 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तभी जाके आपको मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको इशू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कि मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड का बेनिफिट्स एंड फीचर्स क्या है। फ्रेंड्स, पहला जो बेनिफिट्स है मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड से आप इंडिया में कहीं पे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिंगो डेबिट कार्ड जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए होता है। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप बिंगो डेबिट कार्ड का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट्स है फ्रेंड्स, आप इससे ई कॉमर्स जो वेबसाइट है आप ऑनलाइन जो है शॉपिंग कर सकते हैं, पर शॉपिंग जो लिमिट है पर डे का वो 25,000 जो है पर डे है। उसके बाद जो है आप अपने कार्ड को जो है स्वाइप भी कर सकते हैं, यानी कि पॉस भी कर सकते हैं। कहीं पे भी आप मॉल या कोई भी शॉपिंग मॉल में अगर आप परचेस कर रहे हैं तो अपने मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड को आप स्वाइप भी कर सकते हैं। वो भी जो स्वाइप लिमिट है वो भी 25,000 जो है पर डे रहेगा। उसके बाद जो आपका बेनिफिट्स है फ्रेंड्स कि आप जो एटीएम से है कैश विड्रॉल पर डे जो है 15,000 जो है कर सकते हैं। फ्रेंड, जितना मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ जो है ये बेनिफिट्स है। अब हम लोग फीचर्स देखते हैं आपके बिंगो डेबिट कार्ड का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपका जो मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड है उसके साथ में जो एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है, जो पहला जो फीचर्स है उसमें जो है आपका TOD की फैसिलिटी जो है आपके कार्ड्स के साथ में इंक्लूड होती है। TOD का मतलब क्या हुआ, टेम्पररी ओवरड्राफ्ट, यानी कि आप 2500 रुपये का आप तुरंत जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आप जो है अपने कार्ड से ले सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट्स है फ्रेंड्स कि आप कोई भी UPI पेमेंट, चाहे पेटीएम हुआ, फोनपे हुआ या गूगल पे, आप कोई भी UPI पेमेंट को जो है आप एक्टिव कर सकेंगे। आप ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन जो है आप आराम से बिंगो डेबिट कार्ड के साथ में आप कर सकते हैं। तीसरा जो फीचर्स है कि आपको स्टार रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपको जनरेट होते रहेंगे आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे। आप कहीं पे भी अगर आप पेट्रोल पंप जाते हैं, अगर अपने आप कार्ड को स्वाइप करते हैं या कोई भी शॉपिंग मॉल जाते हैं, अगर वहां पे अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं तो आपको स्टार रिवॉर्ड्स पॉइंट जो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है वो आपके बिंगो डेबिट कार्ड में भी आपका जनरेट होगा। मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड में बस एक ही डिसएडवांटेज है कि आप मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड को सिर्फ इंडिया में ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे बाहर भी जाते हैं जैसे दुबई, थाईलैंड, तो आप वहां पे मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड का आप यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे वो कार्ड जो है इनवैलिड होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपको मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चाहिए तो आप उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ब्रांच में जाके आपको जो है मैनुअली फॉर्म जो है आपको फिल करना पड़ेगा, और साथ में जो है आपको आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपको आधार कार्ड और आपका जो है पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं हुआ तो फ्रेंड्स आप अपना वोटर आईडी भी या ड्राइविंग लाइसेंस भी आप जो है उसके साथ में अटैच करके आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। फ्रेंड्स, आपका जो है विद इन 20 डेज आपका जो मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड है आपको बाय इंडियन पोस्ट आपके घर के एड्रेस पे वो रिसीव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है आप मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड आप बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एज 15 साल से लेके 25 साल के बीच में है तो। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मैं आपको मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा जो मुझे बाय इंडियन पोस्ट रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको जानकारी मिल पाए आपको जो है मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड के साथ में क्या क्या मिलता है और किस प्रकार से मास्टर बिंगो डेबिट कार्ड। देख सकते हैं, ये है बैंक ऑफ इंडिया का माइनर अकाउंट होल्डर का वेलकम किट जिसके अंदर मिला है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बिंगो डेबिट कार्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिंगो डेबिट कार्ड जो है अगर आपका एज 15 साल से लेके 25 साल के बीच में तभी जाके जो है आपको बिंगो डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको इशू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि आपको बिंगो डेबिट कार्ड किस प्रकार का मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर लिया, इसके साथ में आपको क्या क्या मिला है वो मैं सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं आप, बैंक ऑफ इंडिया का जो बिंगो डेबिट कार्ड है उसका जो है आपको कितना लिमिट मिला है, प्लस आप कितना पॉस लिमिट यूज़ कर सकते हैं, ये सारे चीज़ की जो जानकारी है आपको इस बुकलेट में मिल जाएगी। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ बिंगो डेबिट कार्ड मिला है, तो फ्रेंड्स आपको जो कार्ड है सेम इसी प्रकार से आपको मास्टर डेबिट कार्ड मिला होगा बिंगो का। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि बिंगो जो डेबिट कार्ड है उसका जो पॉस लिमिट है वो 25,000 पर डे है। अगर आप ऐसे कैश विड्रॉल करेंगे तो 15,000 जो है पर डे मैक्सिमम है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे में आपको क्या मिला है। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया का जो आपको बिंगो डेबिट कार्ड मिला है उसका टर्म एंड कंडीशन इस बुकलेट में मेंशन किया हुआ है। तो आप बिंगो डेबिट कार्ड यूज़ करने से पहले आप पहले इस बुकलेट को रीड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे कि आपको बिंगो डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किस प्रकार का मिला है। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं ये है बिंगो डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि माइनर अकाउंट होल्डर को दिया जाता है, जिस अकाउंट होल्डर का एज 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में है उसी को ये बैंक ऑफ इंडिया बिंगो कार्ड इशू कर दिया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बिंगो डेबिट कार्ड जो है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशियली जो है आपको 5 साल के लिए इशू किया जाता है, उसके बाद जो है आप रिन्यू करा सकते हैं। तो रिन्यू के समय में आपको जो है अपना एज प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका एज 25 ईयर्स को क्रॉस कर जाता है तो आपको जो बिंगो डेबिट कार्ड है नहीं दिया जाएगा, आपको जो है नॉर्मल डेबिट कार्ड आपको बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख लें ये बैंक ऑफ इंडिया का बिंगो डेबिट कार्ड है। अब उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप इसको जो है यहाँ से निकाल लेंगे। जैसा कि मैं फ्रेंड्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैंने इसको निकाल लिया यहाँ से। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है और इसके बाद जो है आप आराम से जो है पॉस या ई कॉमर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस बिंगो डेबिट कार्ड के साथ में आपको बहुत सारा जो है फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। आप इसके थ्रू है जो फ़ोनपे प्लस गूगल पे और भी जो है पेटीएम और भी बहुत सारे जो UPI एप्लीकेशन है आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप इसको हर एक जगह पर यूज़ कर सकते हैं, पर आपको मैं बता दूँ कि ये जो कार्ड होता है बिंगो डेबिट कार्ड इसको सिर्फ हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप कहीं बाहर जाते हैं जैसे दुबई, अमेरिका, कहीं पे भी बाहर अगर जाते हैं तो आप इस बिंगो डेबिट कार्ड का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है ग्लोबल डेबिट कार्ड लेना पड़ेगा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो फ्रेंड्स बिंगो डेबिट कार्ड के साथ में यही रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसका जो यूज़ है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका भी एज 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में और अगर आपने भी बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया है तो आप भी जो है बिंगो डेबिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको बिंगो डेबिट कार्ड के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी। अगर आपको बिंगो डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वहां आंसर करूंगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।